उधर सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में एक दूसरे के खून के प्यासे गैंगस्टर आपस की दुश्मनी भुलाकर गठबंधन करने की तैयारी में है और तिहाड़ जेल अवैध वसूली का नया अड्डा बन सकता है। और देश और विदेश से वसूली के लिए आने जाने वाले फोन कॉल्स का नेटवर्क दिल्ली की तिहाड़ जेल से ऑपरेट हो सकता है। दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई की उन गैंगस्टर से दोस्ती हो सकती है जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद उसके जाने दुश्मन बन गए थे। सूत्रों के मुताबिक कई बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया के बीच दोस्ती करवाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही आपस में दुश्मन रहे दूसरे गैंगस्टर के बीच भी दोस्ती की कोशिश की जा रही है, जिससे अवैध वसूली का नया नेटवर्क दिल्ली की तिहाड़ जेल में तैयार किया जा सके। उधर ईरान ने इसराइल के तमाम दुश्मनों को इकट्ठा कर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश बंद नहीं की तो उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, ऐसी खबरें आ रही हैं। और ईरान के इस कदम का अंजाम यह भी हो सकता है कि इसराइल उसे पूरी तरह तबाह कर दे। इसराइल के मिलिट्री चीफ ने आरोप लगाया कि ईरान जानबूझकर उन देशों और संगठनों की मदद कर रहा है जो इसराइल के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया कि इसराइल ईरान को इसकी सजा जरूर देगा, जिसके लिए उसने सीरिया में मौजूद ईरान के ठिकानों पर बम बरसाने भी शुरू कर दिए। इसराइल का दावा है कि ईरान उसके देश में बड़े आतंकी हमले की फिराक में है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर ईरान की इस प्लानिंग को सफल होने नहीं देगा। उधर पाकिस्तान में इमरान खान को दो बड़े झटके लगे हैं। इमरान की पार्टी के दो बड़े नेता फवाद चौधरी और असद उमर ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सेना और सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पीटीआई कार्यकर्ताओं को जेल में डाला जा रहा है। उधर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि इमरान की पार्टी पर सरकार प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। इमरान खान ने अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को अंडरग्राउंड रहने की सलाह दी है। इमरान खान ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से देश के लोकतंत्र को बचाने की अपील की। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और नेता फैयाज चौहान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। फैयाज चौहान ने आरोप लगाया कि पार्टी में उनकी अनदेखी की जा रही थी और इसी से नाराज होकर उन्होंने इमरान खान का साथ छोड़ दिया। लेकिन कहा जा रहा है कि फैयाज चौहान को भी अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा था, क्योंकि 9 मई को पाकिस्तान में हुई हिंसा के बाद पीटीआई के कई नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है और फैयाज चौहान को भी ऐसा ही लग रहा था कि उनको भी जेल भेजने की तैयारी की जा रही थी। कहा जा रहा है कि इसी वजह से उन्होंने इमरान खान से किनारा कर लिया। हालांकि फैयाज चौहान के मुताबिक उन्होंने पार्टी में अपनी अनदेखी होने से नाराज होकर यह कदम उठाया। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि इमरान खान हिंसा के रास्ते पर चल रहे हैं और इसी वजह से उनकी पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि एक के बाद एक पीटीआई के कई नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। फैयाज चौहान की तरह ही पूर्व मंत्री और इमरान की खास शिरीन मजारी ने भी पीटीआई से इस्तीफा दे दिया, जिसे इमरान खान के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है। शिरीन मजारी को 9 मई को हुई हिंसा के बाद 5 बार गिरफ्तार किया गया था। माना जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना और शहबाज सरकार की सख्ती से घबराकर ही उन्होंने पीटीआई छोड़ने का फैसला कर लिया, जिसका इशारा शिरीन मजारी ने कुछ रोज पहले ही कर दिया था, जब 9 मई को हुई हिंसा को उन्होंने गलत बताया था, जबकि इसके पीछे उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं का हाथ था। हालांकि शिरीन मजारी ने बताया कि वो निजी कारणों से पार्टी छोड़ रही हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इमरान खान का साथ देकर वो और मुसीबत मोल लेना नहीं चाहती।